आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच वरिष्ठ कवि आदरणीय श्याम बिहारी सक्सेना जी हैं, और मैं चाहती हूँ पर्व जो है बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने का सबसे अच्छा अवसर होता है, और दो पंक्तियाँ आशीर्वाद की मांगती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम बिहारी सक्सेना जी को कि कल तिमिर को भेद कर आगे बढ़ूंगा, कल तिमिर को भेद कर आगे बढ़ूंगा, कल प्रलय की आंधियों से मैं फिर लड़ूंगा, कल तिमिर को भेद कर आगे बढ़ूंगा, कल प्रलय की आंधियों से मैं लड़ूंगा, किंतु मुझको आज आंचल से बचा लो, किंतु मुझको आज आंचल से बचा लो, आज फिर से बुझे हुए दीपक जला लो, आज फिर से बुझे हुए दीपक जला लो। बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आग्रह के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम बिहारी सक्सेना जी। धन्यवाद। आज की इस काव्य गोष्ठी में आपने दिवाली के विविध रूप और उनकी अभिव्यक्ति पर दीपकों की समानता और दीपकों के साथ सामंजस्य करने का अवसर प्राप्त किया। मैं भी एक मुक्तक से दिवाली को आमंत्रित करता हूँ, अभिनंदित करता हूँ। दीप से दीपक जलाती जो दिवाली, दीप से दीपक जलाती जो दिवाली, हर बिचोही मन मिलाती जो दिवाली, प्रणय की जो प्रेरणा दे प्राण को ऐसी दिवाली, उस सभी पर प्रणय की जो प्रेरणा दे प्राण को ऐसी दिवाली पर सभी को शाम की सो सो बधाई, शाम की सो सो बधाई। मुक्तक का एक और रूप देखिए। देखा तुमने ये चांद छिछोरा कितना टकटकी लगाकर घूर रहा है तुमको, आओ माथे पर एक जिठोना धर दो, नजरा जाने का भय मिट जाएगा। देखा तुमने ये चांद छिछोरा कितना टकटकी लगाकर घूर रहा है तुमको, आओ माथे पर एक जिठोना धर दूं, नजरा जाने का भय मिट जाए मुझको। कभी कभी कुछ प्रश्न बनते हैं और उसके उत्तर भी हम कैसे देते हैं, उस पर छोटी सी चार पंक्तियां हैं। जाम हाथ में सेज कामनी, कंचन मधु वर्षा के क्षण भी, जाने क्यों उदास रहता मन। जाम हाथ में सेज कामनी, कंचन मधु वर्षा के क्षण भी, जाने क्यों उदास रहता मन। उत्तर है, जब सुख सजनी पीर न बाटे, जब मदिरा दुख और बढ़ाए, जब कंचन बरसाए अग्नि, ऐसे में कब सुख मिलता है, ऐसे में उदास रहता हूँ। बहुत अच्छा। ऐसे में उदास रहता हूँ। अभी रविंद्र जी ने कविता लिखने की प्रेरणा का आधार बनाया, उसी तरह मैंने कविता को परिभाषित किया है और उसमें मैंने कोशिश की है कविता कैसे होती है, कविता में क्या क्या तत्व होते हैं। पंछी के कलरों का, भंवरों की गुनगुन का, झरनों के कलकल का शब्दांकन कविता है। पंछी के कलरों का, भंवरों की गुनगुन का, झरनों के झरने का शब्दांकन कविता है। वीणा के सरगम का, पायल की रुंझुन का, तबलों की थापों का शब्दांकन कविता है। अंतर की भाषा का, विरह की पीड़ा का, आंसू के बहने का शब्दांकन कविता है। फागुन में रंगों का, सावन में राखी का, कार्तिक में दीपों का शब्दांकन कविता है। बदनों में मौसम का, शब्दों में भावों का, अधरों पर गीतों का शब्दांकन कविता है। मैंने हर कविता के साथ ये न्याय किया है कि जिस भाव विशेष को करें उसे ही आगे ले जाने। कलियों के खिलने का, भौरों की गुनगुन का, तितली के उड़ने का शब्दांकन कविता है। सरिता की कलकल का, बादल की रिमझिम का, सागर की हलचल का शब्दांकन कविता है। माथे की बूंदों का, मेहनत की रोटी का, छाजन की टप टप का शब्दांकन कविता है। बहुत अच्छा। और अंतिम है, ममता की लोरी का, आंखों की ज्योति का, आशा के मोती का शब्दांकन कविता है, शब्दांकन कविता है। इसी परिभाषित भाषा में एक और मैंने पूछा है अपने आप से कि गीत क्या है।
यहां मैंने गीत को परिभाषित किया है। जब बिछो ही मन मगन गागा उठे, सहज मुखरित हो हृदय से प्राण की भाषा, शब्द जब थक थक करे लगने, तुम कहो कुछ भी हमें भी गीत लगते। जब बिछो ही मन मगन गागा उठे, सहज मुखरित हो हृदय से प्राण की भाषा, शब्द जब थक थक करे लगने, तुम कहो कुछ भी हमें भी गीत लगते हैं। गुनगुनाया जा सके हर कंठ से, गुनगुनाया जा सके हर कंठ से, हाँ हृदय के नाद को जब शब्द मिल जाए, आत्मा की बात अधरों पर उभर आए, उस निरापद छंद को हम गीत लगते हैं। गुनगुनाया जा सके हर कंठ से, हाँ हृदय के नाद को जब शब्द मिल जाए, आत्मा की बात अधरों पर उभर आए, उस निरापद छंद को हम गीत कहते हैं। क्रोच की पीड़ा हृदय आरक्त कर दे, याद होगा वाल्मीकि के समय, क्रोच की पीड़ा हृदय आरक्त कर दे, आंसुओं की उमस को आधार मिल जाए, या व्यथा के प्रकथन को सार मिल जाए, गा सके जिसको गडरिया गांव का, ये ऐसी बात को हम गीत कहते हैं। क्रोच की पीड़ा हृदय आरक्त कर दे, आंसुओं की उमस को आधार मिल जाए, या व्यथा के प्रकथन का सार मिल जाए, गा सके जिसको गडरिया गांव का, ये ऐसी बात को हम गीत कहते हैं। अंतिम है कि कुमुदनी को ज्योत्सना का परस मिल जाए, कुमुदनी को ज्योत्सना का परस मिल जाए, चिर पिपासित पपी